जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया था वो फिजिक्स से जुड़ी हुई बेसिक बेसिक बातें थी, जिसमें आप बेसिक मैथ्स आपने सीखा था। बेसिक मैथ्स में थोड़ा डिफरेंशिएशन बताया मैंने, थोड़ा इंटीग्रेशन बताया आपको, वेक्टर क्या होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बताई, मतलब फिजिक्स पढ़ने के लिए जितनी मैथ्स की जरूरत है वो मैंने आपको बताया। अब हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, मतलब अभी तक तो जो बेसिक मैथ्स था, मैथमेटिकल टूल्स जो रिक्वायर्ड थे वो पढ़ा रहा था, अब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो पहला चैप्टर है वो काइनेमेटिक्स है, मैकेनिक्स 11th क्लास के अंदर पहला जो चैप्टर आता है वो काइनेमेटिक्स आता है। काइनेमेटिक्स बेसिकली फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन के इफेक्ट को स्टडी करते हैं। मोशन का इफेक्ट, जैसे कोई मान लो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसमें मैंने फोर्स लगाया तो ये पार्टिकल मूव करने लगा, या जैसे ये मान लो चौक है, इसको मैंने ऐसे छोड़ा, ठीक है, तो इसके ऊपर mg लग रहा है, उसके कारण ये मूव कर रहा है, तो इसके अंदर वेलोसिटी आएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगा, एक्सेलेरेशन आएगा, मोमेंटम आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, भांति भांति की फिजिकल क्वांटिटीज जो डिफाइन की गई है वो सब आएंगी। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग फोर्स के इफेक्ट को स्टडी करते हैं। जैसे फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, फोर्स लगाएंगे तो बॉडी चलेगी, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर वेलोसिटी आएगी, फिर एक्सेलेरेशन होगा। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग फोर्स के इफेक्ट को स्टडी करते हैं और डायनेमिक्स में हम लोग फोर्स को ही स्टडी करते हैं। डायनेमिक्स हम बाद में पढ़ेंगे, अगला जो चैप्टर आएगा। काइनेमेटिक्स को हम लोग तीन हिस्सों में हमने इसको बांट रखा है, तीन तरह से हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। पहला, एक स्ट्रेट लाइन का मोशन, दूसरा प्लेन का मोशन जिसे हम लोग आगे चल के प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, और तीसरा रिलेटिव मोशन, एक के रिलेटिव दूसरे का जो मोशन होता है उसकी स्टडी है। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग सबसे पहले मोशन इन वन डायमेंशन या रेक्टिलिनियर मोशन स्टडी करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन या इसी को हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब एक ऐसा मोशन जिसके अंदर जो पार्टिकल होता है 1D में चलता है, या एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है, ऐसा मोशन रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। तो यहां पर मैं नोट करा देता हूं, इन दिस मोशन द पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। In this motion, particles moves in a straight line. इस तरह का जो मोशन होता है इसमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अब स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो मोशन कैसा मोशन होता है उसको थोड़ा सा मैं बता दूं। एक सीधी लाइन में, एक वन डायमेंशन में चल रहा है। स्ट्रेट लाइन मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेन जा रही है, ट्रेन के पहियों का मोशन भूल जाओ आप, क्योंकि पहिए तो रोटेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर ट्रेन एक पटरी पे जा रही है तो उसका मोशन एक स्ट्रेट लाइन का मोशन हो जाएगा। या कोई कार जा रही है सड़क पे, उसका मोशन स्ट्रेट लाइन। या क्रिकेट के अंदर कोई ऐसे बॉल लुढ़कती हुई जमीन पे जा रही है, सीधी चलती चलती जा रही है, कहीं घूमती नहीं, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। या जैसे मान लो ये चौक है, इस चौक को मैंने छोड़ा तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मोशन भी स्ट्रेट लाइन हुआ। एक सीधी रेखा में कोई चीज चल रही है तो उसका जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इस तरह के मोशन में पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करता है। अब जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ें या कोई भी मोशन पढ़ें तो हम लोग कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, जैसे पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया। तो हम लोग कुछ टर्म्स यहां पर डिफाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम टर्म यहां पर डिफाइन करेंगे पोजीशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग मतलब वेक्टर का यूज करने के बजाय प्लस माइनस, क्योंकि एक ही लाइन में चल रहा है तो आगे का डायरेक्शन हम प्लस ले लेंगे, पीछे का माइनस ले लेंगे, या पीछे का प्लस ले लेंगे, आगे का माइनस ले लेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग वेक्टर्स का यूज नहीं करते, हम लोग प्लस माइनस से ही काम चला लेते हैं, प्लस और माइनस का यूज करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में सबसे पहला जो चीज मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूं वो पोजिशन डिफाइन करने जा रहा हूं। पोजिशन, इसको हम लोग एक्स से दिखाते हैं, पोजीशन जो है उसको एक्स से दिखाते हैं। और पोजीशन हमेशा किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होती है, कोई ना कोई मूल बिंदु होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम पार्टिकल की पोजीशन को मेजर करते हैं, क्योंकि किसी की पोजीशन का कोई मतलब नहीं। मैं कहूं बताओ मेरी पोजीशन क्या है, तो मेरी पोजीशन जो है वो कहीं से नापी जाएगी ना भाई, उस कैमरे से नापी जाएगी, बाहर जो ऑफिस है उससे नापी जाएगी, या चांदनी चौक से नापी जाएगी, या कुतुब मीनार से, कहीं ना कहीं से मेरी पोजीशन को मेजर किया जाएगा। तो किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको जो मेजर जहां से किया जाता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का मतलब ये होता है जहां पे ऑब्जर्वर और जो ऑब्जर्व करने वाला है
और जो जवाब देने वाला है, मतलब जो सवाल करने वाला है और जो जवाब देने वाला है, जो जहां दोनों एग्री कर जाएं, उसी जगह को हम ओरिजिन कहते हैं। जो जगह दोनों को पता हो उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन का मतलब ये होता है कि हमने कोई सवाल पूछा, अब सवाल के अंदर हमने पता है कि भाई इस जगह से ये चीज हो सकती है, तो ओरिजिन का मतलब ये है कि जो दोनों को पता होता है, सवाल पूछने वाले को, सवाल का जवाब देने वाले को, दोनों को वो जगह पता होती है। तो पोजीशन क्या होता है, पोजीशन ओरिजिन से जैसे मान लीजिए पोजीशन को मुझे डिफाइन करना है, ये ओरिजिन हो गया और यहां पर एक पार्टिकल है पी, तो ओरिजिन से उसको ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो पोजीशन होती है, और पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन विद गिवन पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन विद गिवन पॉइंट, ओरिजिन को गिवन पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड पोजीशन, और इसका डायरेक्शन हमेशा होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है समझना है, क्योंकि वेक्टर होता है तो इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। The line joining origin with given point, its direction is away from the origin. Origin को given point से join करने वाली जो line है, ठीक है, इसे कहते हैं, और इसका direction जो है वो origin से दूर की तरफ होता है, हमेशा origin से दूर की तरफ होता है, मूल बिंदु से दूर की तरफ, origin से away इसका direction होता है। ठीक है, ये आपका position हो गया। अब position positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि ये direct, मतलब ये x axis है, तो अगर पार्टिकल यहां पर है तो डायरेक्शन ये यानी पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, अगर मान लो यही पार्टिकल यहां पर होता तो ओरिजिन से इसको मिलाते तो नेगेटिव डायरेक्शन होता है। तो पोजीशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब ये पोजीशन हो गया, अब पोजीशन के बाद इसके बाद इसके अंदर एक टर्म और आता है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, पोजीशन जो है ये वेक्टर क्वांटिटी और इसका यूनिट मीटर है, ये मैं लिख दे रहा हूं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज वेक्टर क्वांटिटी और इसका यूनिट मीटर होता है। तो एक क्वांटिटी हमने डिफाइन की पोजीशन, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाएंगे तो ओरिजिन से अगर उस पॉइंट को मिलाएंगे तो पोजीशन बन जाती है। अब हम दूसरा यहां पर टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। सब लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेकिन इस बार सही से जानो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। इसको हम एस से दिखाते हैं, और चूंकि अभी हम जो भी बात करेंगे ना वो वन डायमेंशन के हिसाब से करेंगे, जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है उसी के हिसाब से हम बातें करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो कि ये ओरिजिन है और एक पार्टिकल था, शुरू में यहां था, बाद में यहां पहुंच गया, आई से चला एफ पहुंच गया। ठीक है, तो ये चीज उसका डिस्प्लेसमेंट कहा गया। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम जो दूरी है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब मैं मान ले रहा हूं कि ये एक्स आई है, इनिशियल पोजिशन को हम एक्स आई बोल दिए, फाइनल पोजिशन को मैंने एक्स एफ बोल दिया। तो आप ध्यान से देखें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, अगर देखें तो फाइनल पोजीशन अगर xf है, इनिशियल xi है, तो
डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज इन पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। पोजीशन का जो चेंज है उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन पोजीशन भी बोला जाता है, एस इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस वाई। और इसका जो डायरेक्शन होता है ये आपको ध्यान रखना है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे होगा, मान लो पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजिशन होता है, इसका डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज मीटर, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट मीटर होता है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसका जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान रहे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को लेकर तरह तरह के कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहते हैं, थोड़ा सा मैं डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे इसको थोड़ा सा कुछ आपको नोट वोट नहीं करना है, बस इसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक ऊंचा सा टावर है, ऊंचा सा टावर है, यहां से मैंने एक पार्टिकल को फेंका, ये पार्टिकल ऐसे गया ऐसे आया, मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं मान लो और डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहा हूं। ये पार्टिकल यहां से फेंका गया, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, गया और इधर आया, तो आप ये बताएं कि इसका डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप देखें हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि पार्टिकल कहां कहां गया, इधर गया उधर गया घूमा फिरा वापस आया, इससे मतलब नहीं। हमें मतलब इनिशियल से फाइनल है, इनिशियल इधर है फाइनल इधर है, तो इनिशियल से फाइनल को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये डायरेक्शन आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट यहां नेगेटिव लेना पड़ेगा। अभी मान लो कोई पार्टिकल है उसको मैं यहां से प्रोजेक्ट करता हूं, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है, इसको इनिशियल मानता हूं, इसको फाइनल। तो अब इनिशियल से फाइनल का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में यही आपको ध्यान रखना है कि बस आपको कहां कहां गया इससे मतलब नहीं है, बस आप इनिशियल पॉइंट को फाइनल से ज्वाइन करेंगे। जब आप इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन करेंगे तो जो भी डायरेक्शन आएगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, जो भी डायरेक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। डिस्टेंस बेसिकली क्या है कि जो भी जैसे पार्टिकल कोई जा रहा है तो वो जो रास्ता तय करता है उसकी जो लंबाई है उसको डिस्टेंस कहते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, पार्टिकल जो रास्ता तय करता है उसकी जो लंबाई है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और ये जो लंबाई होती है ये डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट इसका भी मीटर ही होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। और लिख देता हूं मैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली जो डायरेक्ट लाइन होगी उसकी लंबाई है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस उसने जो भी रास्ता तय किया है उसकी लंबाई है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक सिचुएशन मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए आप कोटा से स्टार्ट करते हैं, कोटा से जयपुर लगभग 250 किलोमीटर है, ठीक है। आप कोटा से अपने घर से शुरू करते हैं, मान लीजिए महावीर नगर रहते हैं आप, ठीक है, और अपने घर से आप शुरू करते हैं और वहां से आप चालू करते हैं और आप जयपुर पहुंच जाते हैं, जयपुर लगभग 250 किलोमीटर है, आप जाते हैं जयपुर में, जो भी काम हो सुबह चलते हैं आप, जो भी काम वाम होता है काम निपटाते हैं, निपटा के आप रात में वापस आते हैं। तो जब आपने घर पे दोबारा पहुंचे आप, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल का होता है, घर से चालू किया था घर से
और रात में घूम घाम के जयपुर वयपुर सब घूम घाम के सब पहुंच गए घर पे ही, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जो डिस्टेंस आएगी मान लो 250 किलोमीटर गए 250 आए तो डिस्टेंस होगी 500 किलोमीटर जाएगी। तो डिस्टेंस बेसिकली जो रास्ता तय होता है उसकी लंबाई होती है। जो कार के अंदर आपका मेजरमेंट होता है, कार के अंदर कांटे में लिखा रहता है ना आपका कि भाई इतने किलोमीटर चल चुके, कार 42,000 किलोमीटर चल गई, 97,000 किलोमीटर चल गई, तो वो बेसिकली डिस्टेंस ही बताता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो कैसे बताएगा, आप रोज कार घर से निकालते हो घर ही पहुंचा देते हो तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका रोज ही जीरो हो जाएगा। तो वो जो कार के अंदर बताता है ना किलोमीटर, कितने किलोमीटर चल गया है, वो आपका डिस्टेंस ही बताता है, डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है वो। तो जो भी रास्ता तय हुआ है उसकी जो लंबाई है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, जो भी लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आपस में हम रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि एक कोई पार्टिकल है वो यहां से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक गया ऐसे, तो डिस्टेंस तो ये रास्ते की लंबाई हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। तो अगर आप यहां देखें तो डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से बड़ी आ रही है। अगर मान लो पार्टिकल ऐसे सीधे ही जाता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आ जाती, अगर ये सीधे जाता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से बड़ी हो जाए। या तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होगी वो डिस्टेंस के बराबर होगी या उससे छोटी होगी। तो ये एक रिलेशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ये चीज मैं आपको नोट भी करा दे रहा हूं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा, हाँ बराबर हो सकती है, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए। ठीक है, एक बात, जैसे मान लीजिए कि खैर आपको ये रूम नहीं दिख रहा है अभी, मान लीजिए कि रूम के अंदर ये यहां से वहां तक जाने का एक स्पेस है, मान लीजिए ये 10 मीटर का स्पेस है और मैं यहां से वहां तक गया 10 मीटर और 10 मीटर आ गया, तो जब मैं पहले 10 मीटर आगे जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, लेकिन बढ़ रहा था, जब मैं वापस आऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट जैसे घट जाएगा, मान लो 1 मीटर वापस आया तो 9 हो जाएगा, 1 और आया तो 8 हो जाएगा, फिर पूरा 10 मीटर वापस आ जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू देखो लगातार बढ़ रही है, मैं जा रहा था तब भी डिस्टेंस बढ़ रहा था 10, लौटा तो पाथ की लंबाई 11 हो जाएगी, 1 मीटर लौटा, 2 लौटा तो 12 हो जाएगी, पूरा लौट आया तो 20 मीटर पाथ की लंबाई हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह कि डिस्टेंस की वैल्यू ना कभी भी मोशन के दौरान घट नहीं सकती। डिस्टेंस भाई मैं जाके वहीं सो गया तो क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी, यही तो होगा, लेकिन डिस्टेंस घटा नहीं सकता मैं। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू घटा भी सकता हूं, गया पार्टिकल और वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू घट गई, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू या तो बढ़ेगी या पार्टिकल वहीं जाकर रुक जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगी। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करती, ये डिस्टेंस की एक विशेष बात होती है, और इसीलिए आगे हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है कभी झुकता नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम का जब ग्राफ बनाएंगे तो कभी झुकेगा नहीं ग्राफ, ये ग्राफ हमेशा आगे की तरफ बढ़ेगा क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं होती। ठीक है, तो इस बात को मैं लिख दे रहा हूं, वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस की वैल्यू जो है कभी भी घट नहीं सकती, वो वैल्यू हमेशा बढ़ती ही जाएगी या कांस्टेंट हो जाएगी, कभी घट नहीं सकती, ये डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज रही। ठीक है, जो दूरी है इसको हिंदी में दूरी कहते हैं और इसकी ये प्रॉपर्टीज रही। अभी इस पर हम लोग दोबारा लौटेंगे, डिस्टेंस के बारे में बहुत सारी बात करेंगे। अब मैं भी कुछ और टर्म आपको डिफाइन करने जा रहा हूं, जैसे यहां पर एक टर्म आता है वेलोसिटी। इनफैक्ट जब हम वेलोसिटी डिफाइन करते हैं तो वेलोसिटी दो तरह की होती है, दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक वेलोसिटी होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं दोनों वेलोसिटी अलग अलग डिफाइन करूंगा। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
और सिर्फ वेलोसिटी बोले तो उसका मतलब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही आता है। जैसे मान लो कई बार ऐसे बोल देते ना वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, तो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस इंस्टेंट पर, उस मौके पर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है उस इंस्टेंट या उस मौके पर वेलोसिटी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, ये हमें, मैं आपको डिफाइन करना चाह रहा हूं। इंस्टेंटेनियस का वेलोसिटी का मतलब जो होता है वेलोसिटी एट द गिवन इंस्टेंट। दो सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, पांच सेकंड बाद क्या होगी। जैसे मान लो मैं कोटा से स्टार्ट किया जयपुर के लिए और मैं अपनी कार से जा रहा हूं, तो कहीं पे जब एकदम शुरुआत में गली मोहल्ले में मैं जाऊंगा तो मेरी कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होगी। जब मैं थोड़ा निकलूंगा आगे बढ़ूंगा, ठीक है, तो आगे बढ़ूंगा कहीं मुझे हाईवे मिल जाएगा तो मेरी स्पीड 40 भी हो सकती है। तो कुछ किसी स्टैंड बाद स्पीड 40 हो गई, आगे गया और हाईवे बहुत बढ़िया मिल गया, बिल्कुल फोर लेन फर्राटेदार मिल गई, तो मेरी स्पीड 80 भी हो सकती है, 120 130 150 पे भी गाड़ी चलाते हम लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया रास्ता मिल गया तो क्या करेगा आदमी, चलाएगा ही। तो कहने का मतलब यह है कि उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी, उस मौके पर वेलोसिटी, कभी वही वेलोसिटी 40 है, कभी वही 80 है, कहीं ढाबा मिल गया वहां रोक के चाय पीने लगे तो 0 भी हो गई। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है उस मौके पर वेलोसिटी, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट ए गिवन इंस्टेंट, इट इज वेलोसिटी वेलोसिटी एट ए गिवन इंस्टेंट, किसी गिवन इंस्टेंट पे, किसी दिए गए मौके पर जो वेलोसिटी होती है उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो वेलोसिटी होती है इट इज वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट का रेट। रेट का मतलब होता है जब भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे रेट कहा जाता है। तो वेलोसिटी जो है वो ds अपॉन dt है, शब्दों में बोलेंगे तो इट इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, इट इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी v जो है वो ds अपॉन dt है और इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट का रेट कहते हैं, इट इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जो वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, इट इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का रेट है और ये वेक्टर क्वांटिटी है और यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। लिख देता हूं मैं, इट इज वेक्टर क्वांटिटी and unit is meter per second, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी और यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किसी भी इंस्टेंट पे पाथ का टेंजेंट होता है। जैसे यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर पूछना है तो ये ऐसे हो जाएगा, इस जगह पे वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द पाथ होता है, जो भी रास्ता है उसके टेंजेंशियल है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो यहां पे वेलोसिटी ऐसे आएगी, यहां ऐसे आएगी, यहां ऐसे आएगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है दैट इज टेंजेंशियल टू द पाथ, जो भी रास्ता है उसके टेंजेंशियल होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो टेंजेंशियल टू द पाथ है, रास्ते के टेंजेंट पे होता है। अब यूनिट इसका मीटर पर सेकंड होता है और ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब इसके अंदर एक और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी, आप ये समझो कि वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ही चीज है, दोनों में रत्ती भर का फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। अगर आपसे वेलोसिटी बोलता है तो उसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना, अगर आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलता है तो उसका मतलब आप वेलोसिटी निकालना, ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एवरेज वेलोसिटी देखते हैं क्या है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी का जो सिंबल है ये वी एवरेज है, ठीक है। हिंदी में इसको हम औसत वेग कहते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डेफिनेशन जो है एवरेज वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है, एवरेज वेलोसिटी या वी एवरेज, ये बराबर है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम,
डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर एस से दिखाते हैं और टाइम जो है उसको डेल्टा टी से दिखाते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वेक्टर एस अपॉन डेल्टा टी, और डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन भी होता है, तो इसी को हम लोग डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से भी दिखाते हैं। वन डी मोशन में वेक्टर तो लगाते नहीं हम लोग, वैसा डेफिनेशन है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, लेकिन मान लीजिए कि वन डी मोशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स, चेंज को हम लोग डेल्टा से एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो इस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि तीर से लग रहा है, हमने तीर यहां लगा दिया है, और यूनिट इसका भी देखेंगे तो पोजीशन मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो यूनिट इसका मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं इसके बारे में, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड यूनिट इज मीटर पर सेकंड। अब इसमें एक सवाल पैदा होता है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे मैं आपको समझा दूं कि ऐसे समझे कि वही मैं जयपुर वाला एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं कोटा से जयपुर गया, ठीक है, कोटा से जयपुर में गया और कहीं पे मेरी वेलोसिटी जीरो थी, कहीं पे 30 थी, कहीं 40 थी, कहीं हाईवे पे 120 150 के आसपास हो गई। सुबह गया था मैं, शाम को वापस आ गया, तो अगर मैं सुबह गया था और शाम को वापस आ गया तो इसका मतलब कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो जीरो हो गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन अगर आप देखें तो जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो भी जीरो हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन मैं कोटा से जयपुर गया था और वापस आया था, तो वेलोसिटी की वैल्यू तो कुछ ना कुछ रहेगी ही। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एवरेज वेलोसिटी जीरो हो तो वेलोसिटी भी जीरो। भाई एवरेज वेलोसिटी जीरो होने का मतलब जहां से चले थे वहीं आ गए, जहां से चले थे वहीं आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी तो रहेगी ना, हम गए थे और आए थे तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी थी। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से, जो एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से कहीं ज्यादा, जैसे मान लो कि एवरेज वेलोसिटी की कुछ वैल्यू आ गई, मान लो मैंने कुछ नंबर ले लिए, मान लो जीरो से लेके 50 तक के कुछ नंबर ले लिए और उनका एवरेज लिया, तो उनका एवरेज जीरो से 50 के बीच में ही आएगा ना, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कभी तो एक्चुअल वैल्यू से कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी बराबर होती है। तो एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है भाई, वो एवरेज है, वो इंटरवल का एवरेज है, वो एक पीक वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लोअर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए कि कोई क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे हुए हैं, सबकी हाइट का एवरेज लिया जाए, मान लो हाइट 5.6 आ गई, इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी हाइट 5.6 से भी ज्यादा होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी 5.6 से भी कम होगी, और हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जिनकी 5.6 के बराबर भी हो। तो एवरेज वैल्यू जो होती है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और बराबर भी हो सकती है। जो भी एवरेज वेलोसिटी है वो एक्चुअल वेलोसिटी से कम, ज्यादा या बराबर कुछ भी हो सकती है। तो जैसे वेलोसिटी के बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का नंबर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो या स्पीड बोलो दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या स्पीड दोनों एक ही बात है, आप समझो दोनों में मतलब, आपसे कोई स्पीड बोलता है या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। और ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है ये पाथ लेंथ का रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, हम इसको v इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड को v से दिखाते हैं और इसको dl अपॉन dt बोलेंगे, जहां l जो है वो पाथ लेंथ है, L जो है ये पाथ लेंथ है, L पाथ लेंथ है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड V जो है वो dl अपॉन dt के बराबर होती है, कुल मिला के इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट जो होता है वो भी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो होता है वो भी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड या और जो स्पीड होती है और जो वेलोसिटी होती है, इनमें रिलेशन क्या होता है? जो वेलोसिटी में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को स्पीड कहते हैं। जैसे ऐसे समझ दें किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, समझाने के लिए बता रहा हूं, मान लिया 20 आई कैप है तो उसकी स्पीड 20 आ जाएगी, यानी जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, जो मैग्नीट्यूड है उसे हम लोग स्पीड कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी जो है उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग स्पीड कहते हैं। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी और स्पीड के अंदर रिलेशन निकालना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी,
स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी स्पीड में ऐसे लिख सकता हूं, स्पीड जो है यह है मॉड ऑफ वी, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसे स्पीड कहते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन यही है कि पाथ लेंथ का रेट ऑफ चेंज होता है, अगर एल पाथ रास्ते की लंबाई एल है तो रास्ते की लंबाई का जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज कॉल्ड स्पीड। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसका मीटर पर सेकंड होता है, और अगर सीधे सीधे बोले तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम लोग स्पीड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन की अगर हमें बात करें तो फिर हमें वेलोसिटी लेना पड़ेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्पीड होता है। अब इसी के अंदर एक और आता है एवरेज स्पीड, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, दूसरा हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ठीक है, इसको हम भी एवरेज से दिखाते हैं, ये भी स्केलर ही है। और एवरेज स्पीड जो है इसकी डेफिनेशन बनती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर हम वी एवरेज निकालना चाहें तो इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, जैसा कि साफ दिख रहा है यूनिट इसका मीटर पर सेकंड है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वो मैं नोट नहीं करा रहा हूं, एकदम ऑब्वियस सी बात है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, कुल जो इसने दूरी तय करी है अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड होती है। अब इसमें एक सवाल बनता है, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पैटर्न का सवाल बनता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो तो आप रिलेशन निकाल सकते हो। जैसे मान लो एक पार्टिकल यहां से आई से एफ पहुंचा, ऐसे गया, तो आप देखें तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। अब अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करूंगा तो एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो आप देखें डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, तो डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, एवरेज वेलोसिटी जो है वो उसका वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा के मैग्नीट्यूड से उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मतलब एवरेज वेलोसिटी जो होती है हमेशा एवरेज सॉरी उल्टा बोल के मैं एवरेज स्पीड जो होती है वो हमेशा एवरेज वेलोसिटी से बड़ी होगी, या बराबर भी हो सकती है। बराबर तब हो सकती है जब ये सीधे जा रहा हो, सीधे जा रहा होता तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एवरेज जो वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड से बड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड की या तो बराबर होगी या छोटी होगी। तो इस बात को मैं नोट कर देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी can never be, magnitude of average velocity can never be greater than magnitude of average velocity can never be greater than average speed. magnitude of average velocity can never be greater than average speed. Average velocity का जो magnitude है वो average speed के magnitude से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, average velocity या तो बराबर होगी, average velocity का जो magnitude है या तो बराबर होगा average speed से या छोटा होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि average velocity average speed से बड़ी हो जाए। ठीक है, instantaneous acceleration, instantaneous acceleration क्या है कि हम किसी भी इंस्टेंट पे जो एक्सेलेशन होता है, किसी भी मौके पर जो एक्सेलेशन होता है उस एक्सेलेशन को हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन में आपसे या अगर सिर्फ एक्सेलेशन बोलता है तो उसका मतलब भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन है, सिर्फ एक्सेलेशन बोल रहा है उसका मतलब भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन है, और एक्सेलेशन का मतलब तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन है ही। अब ये जो एक्सेलेशन है इसको डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं, बेसिकली जो एक्सेलेशन है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डीटी। ठीक है, इसको शब्दों में ऐसे लिखते हैं हम लोग, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन जो है वो डीवी बाई डीटी के बराबर होता है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी के रेट बदलने की रेट होती है,
और इसका वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो लिख लेते हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड यूनिट इज, ये वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होगा, एक सेकंड और नीचे आ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है, और वैल्यू इसकी डीवी अपॉन डीटी के बराबर होगी। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और एक्सेलेरेशन जो होता है उसका डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है। मतलब हम एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन अगर हमें डिसाइड करना है तो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स, जिधर फोर्स लग रहा होगा नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही एक्सेलेरेशन होगा। सबसे बेसिक चीज जो होती है वो फोर्स होती है, इसको आप सब लोग समझिएगा। जो बॉडी का फोर्स होता है उससे उसका एक्सेलेरेशन डिसाइड होता है, फिर जो उसमें एक्सेलेरेशन आता है उसके कारण उसकी वेलोसिटी डिसाइड होती है, और फिर जब उसके अंदर जो वेलोसिटी आती है उसके कारण फिर उसमें डिस्प्लेसमेंट डिसाइड होता है। मैंने सबसे फंडामेंटल चीज फोर्स होती है, वो एक्सेलेरेशन देता है, एक्सेलेरेशन आएगा तो वेलोसिटी बदलेगी, बढ़ेगी घटेगी जो भी होना होगा, फिर वेलोसिटी आ जाएगी, फिर जब वेलोसिटी पार्टिकल में आएगी तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट से पोजीशन डिस्टेंस सीरीज आएगी। यानी सबसे फंडामेंटल चीज फोर्स होती है, फोर्स से एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। तो जो एक्सेलेरेशन होता है वो डीवी बाई डीटी के बराबर होता है, इसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और इसका डायरेक्शन वही होगा जो डीवी का डायरेक्शन होगा। एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं होता है, एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के चेंज का डायरेक्शन होता है। जिधर वेलोसिटी बदल रही, क्या पता पार्टिकल आगे जा रहा हो लेकिन वेलोसिटी बदल, मतलब पीछे की तरफ वेलोसिटी आगे जा रहा हो और वेलोसिटी घट रही हो, तो जो चेंज आ जाएगा वो पीछे की तरफ आ जाएगा, नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव का मतलब आगे के बजाय पीछे हो गया। तो एक्सेलेरेशन, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलेरेशन, ऐसा नहीं है। एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, सॉरी वेलोसिटी के चेंज के डायरेक्शन होता है, माने ए का डायरेक्शन और डीवी का डायरेक्शन सेम होगा। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन आ गया। अब उसके बाद इसके अंदर इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के बाद एक आता है इसके अंदर एवरेज एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन। इसको हम लोग दिखाते हैं वेक्टर, ये ऐसे सिंबल लगा देते हैं, या इसी का एक सिंबल और है ए एवरेज, मतलब किसी भी चीज का, इसको आप समझिएगा आगे फिजिक्स में, जैसे कोई भी फंक्शन है हमें एवरेज निकालना है, तो ऐसे अगर हमने कर दिया तो ये उसकी एवरेज वैल्यू होती है। तो जैसे मुझे अगर एक्सेलेरेशन का एवरेज निकालना है तो ये दो इस तरह के मैंने तीर टाइप के लगा दिए, तो ये एवरेज बताएगा, बाकी ए एवरेज कहते हैं हम लोग। और जो एवरेज एक्सेलेरेशन होता है उसकी डेफिनेशन जो हम लोगों ने बना रखी है, एवरेज एक्सेलेरेशन इट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये वेलोसिटी में चेंज और जो भी समय लग रहा है उसका डिवीजन हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वन डी में है तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, टू डी थ्री डी में है तो आप वेक्टर भी लगाएंगे, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। एवरेज एक्सेलेरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इसका यूनिट वही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है वैसे एवरेज एक्सेलेरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट दोनों का सेम है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक और फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं जो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब वो प्लस टू के सिलेबस में नहीं है, ना वो आईटी के एग्जाम में आता है, ना नीट के एग्जाम में आता है। जर्क हम डिफाइन करते हैं, और ये जो जर्क होता है ये बेसिकली, इसको हम वेक्टर जे से डिफाइन करते हैं, सिलेबस का पार्ट नहीं तो हम ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जर्क बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन होता है, ठीक है। मतलब एक्सेलेरेशन, जैसे डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज हुआ वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज हुआ एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन का जो रेट ऑफ चेंज होता है उसे हम लोग जर्क कहते हैं। तो जर्क बेसिकली डीए बाई डीटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन है, ठीक है।
डीए बाई डी टी है, यूनिट वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसका होगा इट इज वेक्टर, और यूनिट इसका जो होगा होगा मीटर पर सेकंड क्यूब। जैसे डिस्प्लेसमेंट का मीटर तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो एक बार और डिफरेंशिएट किया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन, तो जर्क जो है वो मीटर पर सेकंड क्यूब है। जर्क जो है ये बताता है कि एक्सेलेरेशन किस रेट से बदल रहा है। जैसे जर्क वर्ड कई बार आपने सुना होगा, कार से जा रहे हैं और एकदम से कहते हैं जर्क आ गया, तो कार जैसे मान लो सामने कोई छोटा सा गड्ढा या कुछ ऐसा आ गया तो कार एकदम से हिल जाती। तो एक्सेलेरेशन में अचानक से जो बदलाव होता है उस चीज को जर्क मेजर करता है। जो एक्सेलेरेशन जैसे क्रिकेट के अंदर क्या होता है, जैसे नॉर्मल हम ऐसे बॉल फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं तो ये नॉर्मल बॉल हुई, लेकिन हमने ऐसे किया और ऐसे मार दिया तो जर्क बॉल हो गई। और ऐसे फेंक रहे हैं तो एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है, लेकिन हम ऐसे बॉल करके और जब ऐसे झटके के साथ फेंकेंगे तो एकदम से हमने एक्सेलेरेशन में बदलाव कर दिया, तो उसे जर्क कहते हैं। जर्क बेसिकली क्या होता है, अगर एक्सेलेरेशन में जैसे बिल्कुल एक्सेलेरेशन का जो चेंज होता है, एक्सेलेरेशन के अंदर जो बदलाव होता है उस चीज को हम लोग जर्क बोलते हैं। एकदम झटके से फीलिंग जो आती है वो आती ये है कि जर्क जो है वो एक झटका होता है। मतलब कॉमन मैन का परसेप्शन ये है कि जर्क एक झटका होता है। फिजिक्स में जर्क का मतलब ये होता है कि जो एक्सेलेरेशन का रेट ऑफ चेंज है उसी चीज को हम लोग जर्क बोलते हैं फिजिक्स के अंदर।